मणिपुर के चुराचांदपुर जिले से एक सनसनीखेज हत्याकांड की खबर सामने आई है। बीती रात अज्ञात व्यक्ति ने आनंद गुप्ता नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। बिहार के आनंद गुप्ता चुराचांदपुर जिले में जियोन स्ट्रीट न्यू बाजार में एक दुकान चलाया करती थी। शुक्रवार को 7:30 बजे जब गुप्ता दुकान बंद करके घर जाने वाले थे, उसी वक्त एक अज्ञात व्यक्ति दुकान में घुस गया और उससे पैसे की मांग करने लगा। फिर उसने गुप्ता पर 5 राउंड गोलियां दाग दी और वहां से फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद आनंद गुप्ता को जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। तो ये बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है मणिपुर से। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले की यह घटना है। इस सनसनीखेज हत्याकांड को कल अंजाम दिया गया है। एक अज्ञात व्यक्ति ने आनंद गुप्ता नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। जी हां, बिहार के आनंद गुप्ता चुराचांदपुर जिले में जियोन स्ट्रीट न्यू बाजार में एक दुकान चलाया करते थे। शुक्रवार को 7:30 बजे के करीब जब गुप्ता दुकान बंद करके घर जाने वाले थे, उसी वक्त एक अज्ञात व्यक्ति दुकान में घुस गया और उससे पैसे की मांग की। और फिर उसने गुप्ता पर 5 राउंड गोलियां दाग दी और वहां से फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद आनंद गुप्ता को जिला अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया। दुकान खुला है ना, हम लोग अब दुकान बंद करने के बाद में पीछे से थोड़ा गेट खुला है, पीछे से गेट खुलने के बाद हम लोग बंद करने वाला है थोड़ा देर में। तब तक एक आदमी आता है, मास्क लगाता है और शूट करता है। कितना आदमी है? कितना आदमी? सिर्फ एक आदमी घुसा है और शूट किया और चला गया। शूट किया और चला गया। पहले डिमांड किया? नहीं, कुछ डिमांड नहीं, कुछ भी बात नहीं, किसी झगड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लोकल आर्मी है क्या? हाँ, लोकल आर्मी, क्योंकि परदेशी नहीं है सर, इसलिए इधर का आदमी है। अब कौन है वो तो मालूम नहीं है सर। बड़ा भाई है, वो तो छोटा भाई है।